जो अपने सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम केवल पढ़ने के लिए है, वो पेपर में कभी भी नहीं पूछा गया है ना पूछा जाएगा। आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा वो है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। प्रश्न ये उठता है कि यह इक्विलिब्रियम क्या चीज है। तो मान लीजिए कि कोई भी दो प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं और इन दोनों प्रोसेस का डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, एक ही टाइम में वो हंस भी रहा है और उसी टाइम में वो रो भी रहा है। हंसना और रोना ये दोनों अलग अलग काम, हंसने का उल्टा यहां पर हो गया रोना, डायरेक्शन यहां पर बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन यदि ये काम एक साथ कर रहा है और जिस स्पीड से वो हंस रहा है उसी स्पीड से यदि वह रो रहा है तो इस स्टेज को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम। कॉमन लैंग्वेज में इस बात को समझ गए कि इक्विलिब्रियम क्या है। यदि हम लोग यहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था, मैं पहले यहाँ पर एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दे रहा हूँ। फिजिकल इक्विलिब्रियम मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर आइस है और यह वाटर में चेंज हो रहा है और जिस टाइम यह आइस वाटर में चेंज हो रहा है एट द सेम टाइम यह वाटर फ्रीज भी हो रहा है। तो आइस का मेल्ट होना और वाटर का फ्रीज होना ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। आइस का मेल्ट होना या वाटर का फ्रीज होना ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट है। अब यदि यहाँ पर दोनों का रेट आपस में बराबर हो जाए, जिस स्पीड से आइस यहाँ पर मेल्ट हो रहा है सेम उसी स्पीड से उसी जगह पर उसी कंटेनर में यह वाटर आइस में चेंज हो जाए। यदि यहाँ पर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, फॉरवर्ड प्रोसेस। क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा है इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं बोलेंगे, फॉरवर्ड प्रोसेस बोलेंगे। और यहाँ पर यदि वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है इसे कहा जाएगा बैकवर्ड प्रोसेस। तो यहाँ पर यदि दोनों का रेट आपस में बराबर हो जाए तो इस स्टेज को क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम का। यदि हम लोग यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लें, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्ट करके बनाता है अमोनिया और एट द सेम टाइम यदि यह अमोनिया डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोज होने के बाद यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दे तो अब यहाँ पर डायरेक्शन ये हो जाता है। अब जिस स्पीड से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है उसी स्पीड से यहाँ पर अमोनिया डिकम्पोज भी हो रहा है। यदि यहाँ पर दोनों का रेट आपस में बराबर होता है तो इस स्टेज को क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेज, यह सिंपली इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट या केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो कुछ नहीं। अब यहां पर एक चीज समझ, हो सकता है कि अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री में इस तरीके का एरो यूज किया हो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की।
बीच में। जनरली आप लोगों ने किस तरीके का एरो यूज किया होगा, और आज मैं यहाँ पर टू हाफ एरो में भी यूज किया है। हाफ एरो ऊपर में है और हाफ एरो नीचे में है, और दोनों एरो का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। जहां पर भी ये एरो लगा हुआ हो, इसका मतलब होता है कि रिवर्सिबल। और जहां पर इस तरीके का डबल हाफ एरो लगा हुआ हो, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल। ई रिवर्सिबल का मतलब पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो बदल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं बदल सकता है। जैसे कि घर में आप देखते होंगे कि दूध है, उसमें आपने नींबू निचोड़ करके डाल दिया, दूध से पनीर तो बन जाएगा, लेकिन पनीर से दोबारा दूध नहीं बन पाएगा। तो ये क्या हो गया, यह कहलाएगा इरिवर्सिबल। लेकिन अमोनिया के केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाता है, और यदि आपने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, यह जो अमोनिया है यह दोबारा ब्रेक हो करके टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। जहां पर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो, इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, समझ में आ गया। अब यदि हम लोग यहां पर इरिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफ के द्वारा समझाएं, तो मैं यहां पर एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा कंसंट्रेशन और यहां पर टाइम। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है क्या, या तो यस या तो नो। आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो। तो यहां पर जो भी केमिकल सबस्टांस लिए है, जो रिएक्टेंट है, उसका हमने यहां पर कंसंट्रेशन लिया है, यहां पर टाइम है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक थाली है, उस थाली में आपने आटे को गूंद करके रखा है, यहां पर एक चूल्हा है जिसके ऊपर तवा रखा हुआ है, जो गूंदा हुआ आटा है इसके आपने पेड़े बनाए, इसे बेल करके रोटी का शक्ल आपने दिया, तवे पर आपने उसे पकाया, और साइड में एक थाली है उसमें आपने कुछ रोटी को रख दिया। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इस थाली में जो आटे या आटा आपने गूंद करके रखा है, इसकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, और दूसरी थाली में रोटियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर जो गूंदा हुआ आटा था वो क्या था, रिएक्टेंट, और यहाँ पर जो थाली में रोटी मिला वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। समझ में आया क्या। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है क्या, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि यदि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात करें और रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा ये थाली बिल्कुल खाली हो चुका होगा, यानी कि आटे की क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो गई, जीरो। और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, कितने तक बढ़ेगी भाई, जितना आपके पास आटा है इस लेवल तक है। यदि कहीं पर ग्राफ इस तरीके का आपको नजर आ जाए, तो इसका मतलब हो गया कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन डिक्रीज होता गया और अल्टीमेटली क्या हो गया, जीरो। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होता चला गया और इसका कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गया, जितना कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लेकिन दूसरी ओर यदि हम लोग यहाँ पर रिवर्सेबल के बारे में बात करें, इसके लिए भी मैंने यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ भी आपने कंसंट्रेशन लिया, कंसंट्रेशन दोनों जगह मैंने लिया है, दोनों जगह हमने यहाँ पर टाइम लिया है। कंसंट्रेशन का मतलब यह रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है या प्रोडक्ट का है, सिर्फ मैंने कंसंट्रेशन लिखा है। इसका मतलब ये दोनों के लिए माना जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी दोनों के लिए माना जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन इतने हैं, इतने का मतलब 0.1 मोल हो, ये मोलेरिटी हो सकता है, 2 मोलेरिटी हो सकता है, 3 मोलेरिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जितना भी आपने यहाँ पर लिया है। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, रिएक्शन शुरू हो चुका है। यदि मैं इसी एग्जांपल को ले लूं तो यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज होगा, लेकिन यह रिवर्सेबल है, यह कभी भी जीरो को टच नहीं करेगा, यानी कि इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि यदि इसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया होता तो फिर वह क्या बन जाता, इरिवर्सिबल। और साथ के साथ यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है और इसका कंसंट्रेशन कभी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बराबर ही नहीं होता। अब उस टाइम के बाद आप क्या देखते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती है, किसके, एक्स एक्सिस। जहां से यह पैरेलल होना शुरू हो गया, इस स्टेज को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेज। यदि अब वह स्टेज आ चुका है कि जहां पर ना तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है और ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दोनों का ग्राफिकल मेथड आपके समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, कहाँ पर नहीं समझ में वो टॉपिक पॉइंट बोलिए। यहाँ जी कौन सा ग्राफ, ये वो समझ में आ गया। यहाँ पर मुझे बताइए मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था अभी, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, वही बात यहाँ भी मैंने बोला। लेकिन जब यहाँ से ये मिल करके ये बनना शुरू हो गया तो ठीक उसी टाइम ये टूटना भी शुरू हो गया। जिस समय ये दोनों मिलकर के अमोनिया का बनना शुरू हुआ, एट द सेम टाइम डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज स्टार्ट, इफ द रेट ऑफ बोथ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर देन दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। यदि यह टूट रहा है उसी टाइम तो यह अमोनिया की तब वहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही बनेंगे, तो यदि ये इधर बन भी रहा है और ये टूट कर भी ये भी बन रहा है तो क्या यह कभी जीरो हो पाएगा क्या, अब समझ में आया। और किन्हीं के कोई डाउट भाई, चलिए।